नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सुल्तानगंज अगवानी पुल का एक बार फिर से निर्माण होने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट में जो निर्माण कंपनी है एसके सिंगला, उसने एफिडेविट देके ये कहा है कि वो दोबारा इस पुल का निर्माण अपने खर्चे पे करेगी। सरकार भी यही चाहती थी, शुरू से सरकार का यही कहना था कि जो कंपनी बना रही है और पुल अगर टूटा है तो फिर दोबारा वही कंपनी अपने खर्चे पे बनाएगी। तो इस मामले का निष्पादन पटना हाईकोर्ट में हो गया, क्योंकि कोर्ट तो वही फैसला देगा जो उसके सामने आएगा। सरकार की तरफ से भी वही रुख था जो एफिडेविट में निर्माण कंपनी ने दिया है। तो कुल मिलाकर रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सवाल फिर भी हैं। और सवाल उठाने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के महासचिव हेमंत कुमार, जो कि लगातार इस विषय को लेकर उठाते रहे हैं, उनको उनका इस पर क्या कहना है वो जानने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है वो। हेमंत जी, ये बताइए, अब तो खुश है ना? अब तो सरकार का भी पैसा नहीं लग रहा है, निर्माण कंपनी पैसा लगाएगी, फिर से पुल बनेगा, दिक्कत क्या है? सर, सवाल फिर वही आके रुक जाता है कि आखिर पुल गिरने का दोषी है कौन? 1200 करोड़ जनता जो है बिहार की, 12 करोड़ क्षमा करेंगे, 12 करोड़ जनता का एक पैसा लगा है। हमारा आपका पैसा नहीं है कि हम लोग ना आपस में मिलकर डिसीजन ले लिए कि तुम अगर मेरा गाड़ी ठोक दिए हम तुम्हारा गाड़ी बनवा देंगे, चलो काम खत्म। सर, ये पुल गिरा कैसे, आखिर सवाल वही उठता है। आज अगर आप कहते थे कि डिजाइन में फॉल्ट है फिर या कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट है, ये तो पता ही नहीं चला ना अभी तक। सरकार ये नहीं बता पाई कि वो किससे जांच करा रही है, ये जांच एजेंसी है कौन, यहाँ की जनता को नहीं पता है। आप अगर ये कर देते हैं कि पुल तुम बना रहे हो, बीच में गिर जाता है तो तुम फिर से बना दो, तो ये तो परिपाटी बन जाएगी। नहीं, दूसरा ये भी है कि अगर मान लीजिए कि जो कंपनी बना रही थी और पुल गिर गया, तो दोबारा उसी डिजाइन से उसी कंसल्टेंट कंपनी के साथ मिलके वो फिर पुल का निर्माण होगा, तो कोई गारंटी है कि वो पुल रहेगा? सोचने वाली बात ये है सर, सवाल ये उठता है कि फिर वो बनाएंगे तो पता ही नहीं ना कि हम गलत थे, डिजाइन गलत था। हाँ, कहाँ गलत, कहाँ गलत, हम फिर उसी को रिपीट कर, जांच होनी चाहिए थी, एकदम प्रॉपर जांच होनी चाहिए था कि कम से कम इसको प्रॉपर तरीके से जांच, गड़बड़ी कहाँ हुई है। हालांकि डिजाइन की गड़बड़ी तो लोग बोलते रहे हैं। सर, ये जो पुल का निर्माण हो रहा था, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि विदेशी कंपनी ने इसको डिजाइन किया और वो वर्ल्ड की नंबर वन डिजाइनर है, वहां पे गलत हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पे गलती हुआ होगा डिजाइन में, तो जो इन्होंने इनपुट प्रोवाइड किया वही डेटा से उन्होंने उसको डिजाइन करके दिया। डिजाइन बनने के बाद चार चार एजेंसी है सर, मेरे पास आरटीआई के द्वारा मंगाया गया है, जिसमें दिल्ली आईटीआई भी, दिल्ली का आईटीआई है इन्वॉल्व, दो एजेंसी हैदराबाद की है जो केबल स्ट्रक्चर के लिए अलग से डिजाइन की है, डिजाइन का अप्रूवल दिया है, सब स्ट्रक्चर के लिए अलग से दिया है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए अलग से दिया है। अगर डिजाइन में फॉल्ट है तो वो सब एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। दिल्ली जो आईआईटी है, अगर इतनी बड़ी एजेंसी से गलती होती है तो फिर आपका इंडिया का क्या रहेगा विदेशों में? बिल्कुल। तो ये चीज सवाल उठता है, आप बिना जांच कराए कोर्ट में हलकनामा हमने दे दिया कि हम करा देंगे, तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सरकार को चाहिए कि जब तक इसके प्रॉपर जांच कराए, डिजाइन में फॉल्ट था या उसके जो काम करने के तरीके में गलती था वो पकड़े, और जो भी दोषी एजेंसी है उसको सजा दे। नहीं तो सरकार का तो सरकार की मंशा ये भी रही होगी कि जो पैसा जाया हुआ है, जो पानी में चला गया गंगा नदी में, तो उसमें सरकार को ना देना पड़े, वो जो कंपनी है वही खर्च कर रही है, तो दिक्कत क्या है इसमें? सर, जब इसका टेंडर निकला होगा उसमें ये कंडीशन डाला होगा कि अगर नुकसान होता है तो पूरा का पूरा भरपाई ठेकेदार करेगा, तो सरकार एकदम रहता है सर, ये सब उसका कंडीशन रहता है। तो जब सरकार को वो मिल रहा है, और सरकार की मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि हम उस ठेकेदार का फेवर करें, उसने गलती की है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए सर। कहीं ना कहीं इससे परिलक्षित होता है कि सरकार
उस कंपनी के फेवर में। थोड़ा मेहरबानी तो है सर, क्योंकि देखिए 7 जुलाई को हमने माननीय मंत्री बिहार सरकार वन एंड पर्यावरण को दिया था कि भाई वहां पे डॉल्फिन मर रहा है, जो मलवा गिरा है कंक्रीट का उसको हटाया जाए, नहीं तो वो सेंचुरी जोन है, जैसा कि आपको पता है कहलगांव से सुल्तानगंज 60 किलोमीटर का वो डॉल्फिन सेंचुरी है, वहां पे साइबेरियन पक्षी आती है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल किया, लेटर दिया, फोन किया, सर हम मिलना चाहते हैं, बस इसलिए कि आखिर ये जांच कर कौन रहा है। 12 करोड़ जनता जो बिहार की है, जिसके एक एक पैसा खून कमाई का लगा हुआ है, वो पैसा का हिसाब तो सरकार को देना ही चाहिए ना। आप पुल पुलिया बनवा रहे हैं, लेकिन गिर गया तो कार्रवाई तो करना ही चाहिए, ये भी सरकार का ही काम है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि उस पर हरजाना लेना चाहिए, पेनल्टी होना चाहिए, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। ब्लैकलिस्ट भले ना करे, लेकिन हरजाना मान लीजिए बना रहा है तो चलिए कुछ हरजाना तो सरकार, देखिए हमारा ये कहना है कि वही पैसा अगर सरकार के खजाने में होता तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आता है उसका, आता कि नहीं आता। लेकिन चलिए सरकार का फैसला है कि वही कंपनी बनाएगी, लेकिन ये जो पुल बन रहा था ये 2014 से बन रहा था और 2022 में एक पुल का एक हिस्सा गिर गया अप्रैल में, और इस साल 4 जून को काफी बड़ा हिस्सा गिर गया गंगा नदी में, उसका मलबा भी पड़ा हुआ है काफी दिनों, 3-4 महीने हो गए जी। और उससे जो है पर्यावरण को और जल जीव जंतु हैं उनको काफी नुकसान पहुंच रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2014 से 23 तक तैयार नहीं हुआ 9 सालों में, तो क्या गारंटी है कि ये कब तक तैयार होगा, कोई टाइम फ्रेम कब तक कंपनी बना के देगी, ये भी सोचने वाली बात है। सर ये तो सरकार की कंपनी है, अब इसको मान लिया जाए, वो बना दे उसको मेहरबानी होगा, हम लोग उसको पुरस्कृत करना चाहिए जाके कि मेहरबानी की आपने बना दिया। सर ये पुल गिरा 2019 में, इनको कंप्लीट करना था 2023 आ गया, और ये परिपाटी बना हुआ है बिहार में, मात्र 4-5 ऐसे कंसल्टेंट है जो टाइम पे कभी काम नहीं करते। उसका रीजन है वो बिलों में जाकर टेंडर उठाते हैं और वो घीच घीच के एस्केलेशन क्लाउज से पैसा डबल कर लेते हैं, तो ये सब बना हुआ है सर, निर्माण ये राशि बढ़ते जाता है सर, तो ये सब परिपाटी बना हुआ। और ये चंद ठेकेदार जो ऐसे हैं, इसमें एक कंसल्टेंट भी, इनका रॉडिक काफी खास है इन लोग का, तो ये सरकार का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है और इसका हिसाब उनको देना चाहिए कम से कम। मेरा ये कहना है कि ठीक है ठेकेदार ने जो कंपनी है निर्माण कंपनी, उसने तो कह दिया कि हम बना देंगे जी, लेकिन जो इसकी निगरानी करने वाली कंसल्टेंट कंपनी है उस पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। और अगर आप फिर से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कौन सा पार्ट का बनाएंगे, आखिर गिरने का रीजन जब पता नहीं चलेगा तो फिर आप पुराने काम को आप कंटिन्यू कर देंगे लीप पोत कर, दोबारा जब पुल गिरेगा तब उसका जवाब दे कौन लेगा, फिर वो 5 साल और लेंगे कि हम फिर से बना देंगे, तो इस तरह तो चलते रहा सर। जैसा हमने इस मैटर पे जब मुख्यमंत्री जी से टाइम नहीं मिला, हम माननीय राज्यपाल महोदय से मिले, वो काफी आश्चर्यचकित थे कि अभी तक जांच एजेंसी कौन है ये किसी को पता नहीं है, कौन जांच कर रहा है। उसके बाद हम सर अभी पिछले वीक में माननीय नितिन गडकरी जी को टाइम मांगा है उनसे कि हम जाकर बतलाएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, जो भी दोषी हो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम जिनका पैसा लगा है 12 करोड़ जनता उनको पता चलना चाहिए कि मेरे पैसे का कहां उसका उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, कम ये जनता जानने का अधिकार रखती है। सही बात है, क्योंकि 2014 में भी एक पुल का हिस्सा गिरा था, बागमती नदी पर बना था वो पुल, तो उसमें मामला हाईकोर्ट में गया था और कोर्ट के नोटिस पर राज्य सरकार ने काफी कड़ी कार्रवाई की थी उस जमाने में, लेकिन आज कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन ये कह दिया गया कि कंपनी ही अपना पैसे से उस पुल का दोबारा निर्माण करने जा रही है, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के जो निष्पादन जो हुआ है हाईकोर्ट में उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, पर दोषी कौन है सरकार को ये चाहिए, जांच कौन कर रहा है और कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि एक पुल बनने में इतना टाइम पहले ही लग चुका है, 9 वर्ष लग चुके हैं, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, फिर दोबारा से पुल उसको मलवा हटाना फिर से दोबारा से बनाना,
तो उसमें कितना टाइम लगेगा, एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। सर एक परिपाटी जो बन गया है, पहले अप्रोच रोड गिरता था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आज पूरा का पूरा पुलिया गिर गया, तो यही हाल रहा तो फिर पुल बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और एक सर यहाँ पे भागलपुर में एक इंजीनियर के घर पे रेड पड़ा, 1 करोड़ रुपया कैश मिला उनके घर से, इसी पुल के इंजीनियर थे। उसके बाद वहां कोई रेड नहीं पड़ा, सब सेट हो गया। चलिए तो ये हालात हैं, और हमारा जो इस पुल को लेकर लगातार हम आवाज उठाते रहे हैं, और आज जब फिर से इसके निर्माण का पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हुआ है तो फिर से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।